गल्फ ओलंपिक में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, लेकिन वो शायद गोल्ड भी जीत सकते थे अगर उन्हें हर्निया नहीं होता तो। जी हाँ, नीरज चोपड़ा की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें हर्निया है और वो जल्द ही इसकी सर्जरी कराने वाले हैं। बता दें, नीरज चोपड़ा की हर्निया के कारण ग्रोइन एरिया में काफी दर्द है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि हर्निया क्या है। देखिए, हर्निया की प्रॉब्लम शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, हालांकि पेट और थाइस के आसपास इसके मामले ज्यादा आते हैं। जहां कहीं भी हर्निया की प्रॉब्लम होती है, वहां की मसल्स धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और उस हिस्से में गांठ बन जाती है जो बाहर की ओर निकल जाती है, जिसमें दर्द भी काफी होता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हर्निया भी कई तरह का होता है। अगर प्राइवेट पार्ट के आसपास हर्निया होता है तो उसे इनग्विल हर्निया कहते हैं, और अगर बेली बटन के आसपास हर्निया होता है तो उसे अम्बिलिकल, और पेट के ऊपरी हिस्से में हर्निया होता है तो उसे हियाटल कहते हैं। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स हर्निया ज्यादा होता है और ये मांसपेशियों में खिंचाव के कारण होता है। ऐसे में अगर इलाज में देरी होती है तो ये परेशानी काफी बढ़ सकती है। मेडिकल की भाषा में स्पोर्ट्स हर्निया को एथलेटिक्स प्यूब्लेजिया कहा जाता है। ये हर्निया पेट के निचले हिस्से में ही होता है। हर्निया के लक्षणों के बारे में बात की जाए तो हर्निया का एक स्पष्ट संकेत एक गांठ है जो बाहर की तरफ निकल आती है। इसके अलावा आपको दबाव महसूस होगा, हल्का दर्द होगा या चुभन जैसा महसूस हो सकता है। ज्यादातर मामलों में जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब हर्निया की गांठ बाहर की ओर ज्यादा निकल जाती है। ऐसा काम जिसमें भारी सामान उठाना या कई घंटे खड़े रहना शामिल हो तो हर्निया का रिस्क ज्यादा होता है। और एक और बात, हर्निया की समस्या बचपन में भी हो सकती है। हर्निया का सबसे सही इलाज सर्जरी ही होता है। इससे छुटकारा पाना है तो सर्जरी से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।